मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर ही नवाज शरीफ को जमानत मिली है। मेडिकल बोर्ड अरकान डॉक्टर्स हैं, सियासतदान नहीं, उन पर एतमाद करना चाहिए। मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत अदालतों की बेहतरी के लिए तआवुन करेगी। जितने पेंडिंग हमारे इन मिनिस्ट्रीज के साथ इश्यूज हैं, ये कमेटी जो है वो बेंच और बार के जो इश्यूज हैं उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी और साइलीन का जो बुनियादी हकूक जुड़े हुए हैं अदालतों के साथ, वकला हजरात के साथ और हकूमत के साथ और अदारों के साथ, उस वो हकूक पहुंचाने के लिए उन साइलीन तक उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए और उन हकदारों को उनका हक लुटाने के लिए हकूमत जो है इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे अमल करेगी। सीएल से नाम निकालना, हकूमत खुद से किसी शख्स को पकड़ के उसका नाम इस सीएल में नहीं डालती, उसके रिकमेंडेशन होती है नैब की, अदालतों की, उनके हुक्म के मुताबिक, उनके फैसलों के मुताबिक वो नाम इस सीएल में डाले जाते हैं। अब उस नाम को इस सीएल से निकालने की जब एप्लीकेशन आई है तो वही प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया गया है। आज होपफुली जो है वो हमें नैब को जो राय मांगी गई थी, क्योंकि नैब इस केस में मदई है, वो नैब के मुलजम है, नैब की अदालत ने उनको सजा दी है। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा मेडिकल बोर्ड जो है उसकी रिकमेंडेशंस जो है, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन लग के आई है वो शरीफ मेडिकल सिटी के मेडिकल बोर्ड की है, हकूमत जो है किसी प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की हदायत की रोशनी में फैसले नहीं करती। सरकारी मेडिकल बोर्ड जो है उससे राय लेना जरूरी था।